गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई होपूर एंड हैप्पी एंड सेफ सो गाइज सुबह की शुरुआत होती है चाय से एंड ये जो दिन में हम मैंने बनाना है खाने के लिए वही सब आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ आज जैसे कि यहाँ मैंने गैस पे रखा था कुकर और यहाँ पे डाली थी उड़द की साबुत दाल जो मैंने वॉश करके डाल दी है और पानी डाल दिया है हल्दी और नमक डाल के मैं इसको विसल लगा दूँगी गाइज़ तो ये थी मेरे दिन की शुरुआत कि लंच के लिए तैयारी करनी थी और यहाँ पे आटे का डो जैसे कि रेडी करना था तो यहाँ पे आटे के डो में मैं पहले की तरह जैसे मिलाती थी नमक थोड़ी सी हल्दी जो ग्रह को मजबूत करती है एंड यहाँ पे चीनी जो कि सब में प्यार बनाता है मीठा रिश्ता बनाता है और उसी के साथ मैंने इस आटे को का डो रेडी करना है सो so गाइज़ यहाँ पर हम आटे का डो रेडी कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से इसको मैश करके इसको परफेक्टली थोड़ा पानी और लेंगे और यहाँ पर अपना आटे का डो हम अच्छे से रेडी करेंगे सो so, यहाँ पर मेरा आटे का डो रेडी होने जा रहा है गाइज और इसमें मैंने लगा दिए हैं मुक्के अच्छे से थोड़ा सा पानी की कमी थी तो मैंने थोड़ा पानी भी ले लिया है एंड सुबह का वक्त है ये छः बजे का गाइज सुबह जल्दी उठना था और रेगुलरली उठना पड़ता है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे थे बट अभी लियो की छुट्टियाँ समाप्त हुई हैं तो यहाँ पर बस अब मुझे अपने घर के लिए तैयारी करनी थी तो मैंने यहाँ पहले आटे का डो रेडी कर लेना है और अच्छे से कुत्ते लगा के सो गाइज यहाँ पे मैंने ले ली थी दो टमाटर और यहाँ पे मैंने ले लिया था एक अदरक का टुकड़ा और हम इसको ग्राइंड करेंगे सो so, ग्राइंड करने के लिए मैंने लगा दिया है मिक्सी पे इसे और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे एंड मैं टाइम देख रही हूँ कि कितना टाइम हो गया और मुझे जाना है कहीं सो so, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी इतने में ये हमारे ग्राइंड होके रेडी हो जाएगा हमारा टमाटर का पेस्ट सो so, हम इस फिर आगे की तैयारी करेंगे गाइज़ कि हमें आगे क्या करना है तो कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल इसे रखा मैंने दूसरे वाले चूल्हे पर और यहाँ डालेंगे हम गैस के कुकर को करेंगे थोड़ा सा साइड और सीटी मैंने सो गाइज यहाँ रख दी थी कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तो यहाँ मैंने ले लिया था रिफाइंड एंड हमारा रिफाइंड गरम होगा सो so इसमें हम डालेंगे अपनी मसालदानी के सभी मसाले जैसे कि मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हींग सो so यहाँ पर मैंने ले लेना ले हींग डाल दिया है एंड अब इसमें हम डालेंगे हींग हमारा थोड़ा सा चटकेगा सो so, हम इसके अंदर छोड़ देंगे जी जीरा सो so, जीरा हमारा इतना भुने का सो so, हम इसमें ऐड करेंगे फिर थोड़ा सा जीरा हमारा ब्राउन हो जाए एंड ये हमारी टमाटर प्यूरी यहाँ आलू बैगन मैंने चॉप कर लिए थे एंड यहाँ पर हमने डाल दिया है टमाटर और अदरक का पेस्ट तो मैं बना रही हूँ जीरे में तो ये सब खाना जीरे में ही बन रहा है आजकल हमारे घर में फैमिली में सो so, यहाँ पर मैंने डाल दी थी लाल मिर्च पाउडर एंड डाल देंगे इसमें so, सो यहाँ पर मैंने डाल दी थी लाल मिर्च धनिया एंड सॉल्ट डाल दिया था एंड इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमारा मसाला जैसे कि भुनने में आ रहा है इसमें आ जाएगा ऑयल जैसे ऑयल आ, आ, आ जाएगा तो उसके अंदर मैं छोड़ दूँगी अपनी सब्ज़ी तो यहाँ पर हम डाल देंगे आलू और बैंगन को जो मैंने पहले से ही काट के रखे थे ये। सो गाइज़ इतना हमारी सब्ज़ी इतनी रेडी होगी तो यहाँ पर ये टमाटर मैंने काट लिए थे और ये दाल मेरी बॉईल हो चुकी है तो यहाँ रख दी थी मैंने कढ़ाई गैस पे और यहाँ पर हम डालेंगे फिर से ऑयल सो so, यहाँ गाइज हम डालेंगे ऑयल एंड ऑयल में मैंने थोड़ा सा डाल दिया था हींग हींग में तेज पत्ता एंड इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा सो so, यहाँ मैंने जीरे का यूज़ करा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बिना लहसुन प्याज का खाना रेडी कर रही हूँ आजकल So, एक डेढ़ महीने तक तो हम लहसन विदाउट लहसन प्याज का ही खाना खाएंगे सो so, यहाँ पर मैंने डाल दिया था जीरा तो हमारा जीरा ही ब्राउन हो चुका था तो यहाँ छोड़ दिए थे टमाटर और हरी मिर्च चॉप्ड करे हुए और इसको गलने देंगे और इसमें डालेंगे अब हम लाल मिर्च पाउडर सो so, इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे गाइज और इसमें हम ऐड करेंगे गर्म मसाला अपना होम मेड गर्म मसाला होता है मेरा वो और यहाँ मैंने डाल दिया था सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड धनिया पाउडर सो so, ये जैसे ये हमारा गल जाएगा धीरे धीरे मैश होने लगेगा इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा ऑयल में सो so, हम इसके अंदर छोड़ेंगे अपनी दाल यहाँ हमारे पक रहे हैं आलू बैगन गाइस सो so, गाइस यहाँ पर आटे की लोई मैंने रेडी कर ली थी एंड यहाँ पर सबसे पहले रोटी गाय की निकलेगी तो यहाँ पर पहले मैं गाय माता की रोटी बनाने के लिए मैंने निकाल दी थी रोटी गाइस और यहाँ मिल रही थी आप लोगों से एंड यहाँ पर फिर मैं डाल दूँगी रोटी के ऊपर रखूँगी चीनी थोड़ी सी और इधर हमारे फुलके सिक रहे हैं गर्मा गर्म और यहाँ पर मैंने बना लिए थे पराठे तो यहाँ पर लगा लिया था ऑयल और ऑयल लगाने के बाद हम कर लेंगे पराठे रेडी गाइज़ सो so, यहाँ पर एक एक करके हमारे पराठे रेडी हो जाएंगे सो so, यहाँ गर्मा गर्म हमारे पराठे उतर रहे हैं और यहाँ पर सब कुछ मैं रेडी कर लूँगी गाइज़ और जैसे कि मेरा सब रेडी होने वाला है लंच तो क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है किचन में कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कि पसीने पसीने हो रही हूँ मैं और इसके बाद हम चलेंगे जाऊंगी मैं नहाने के लिए गाइज गाइज यहाँ पे आ गई थी नहाकर और मैंने करना था सिंपली सा टच अप तो, so, यहां मैंने यूज कर लिया था बाल छाड़ रही हूँ एंड बालों को अच्छे से मैंने कॉम किया कॉम करने के बाद फिर मैं यूज़ करूँगी क्या जैसा कि डेली रूटीन में मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ तो मैं वो सनस्क्रीन यूज़ कर लिया था और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ टचअप कर रही हूँ एक लिपस्टिक शेड का जो कि मैं लिपस्टिक का ब्रांड यूज़ करती हूँ वो जो ब्रांड लिपस्टिक का है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो कौन सा ब्रांड है जो मैं यूज़ करती हूँ सो so, ये है रिमी का रिमी की लिपस्टिक्स हैं तो इसकी शेड्स बहुत अच्छे हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है सो so, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैंने कॉम कर लिया और ये मेरा था सिंपली सा टचअप गाइज एंड एंड ये स्पॉन्सर्ड नहीं है और यहाँ मैंने कर ली थी पूजा गाइज और पूजा करके यहाँ हो गई थी दिन की शुरुआत एंड यहाँ आ गई थी किचन में गाइज तो यहाँ आलू बैंगन जो मैंने बनाए थे उसमें डाला था धनिया चॉप करा हुआ एंड जो दाल रेडी करी है उसमें भी मैं धनिया गार्निश कर दूँगी सो so, यहाँ पर भी हम धनिया से गार्निश कर देंगे इसको एंड इसको मैंने ढक दिया था गाइस और अब लगा लूँगी मैं थाली अपनी तो यहाँ मैंने लगाई है थाली एंड यहाँ पर मैंने ये चावल थे गाइस जो बना रखे थे पहले ही तो ये मैंने आपसे शेयर नहीं करा था वीडियो चावल का सो so, यहाँ पर मैंने लगाई है दाल वो स्किप हो चुका था एंड यहाँ पर आलू बैंगन लगा लेंगे थाली में एंड ये पराठे लगाएंगे अब हम जो हमने बनाए थे सो so, ये था आज का मेरा सिंपली लंच वेजिटेरियन एंड जीरे वाला आलू बैंगन एंड उड़द की दाल सो so, बहुत ही अच्छा लगा लगेगा आपको भी ऐसे खाना बनाने में सिंपली गर्मियाँ वैसी हैं गर्मियों में कुछ खाने का इतना जल्दी मन नहीं करता क्योंकि पानी से ही पेट भर जाता है गाइज सो so, यहाँ पर ये थी मेरी सिंपली सी लवली सी थाली जो मेरे लिए बहुत अच्छी थी सो so, आप लोगों को कैसे लगा आज का मेरा वीडियो ज़रूर मुझे शेयर करके बताइएगा सो so, ये था मैं एक गाय की रोटी और पहले मैं जाऊंगी गाय माता की रोटी देने के लिए तो यहाँ मैं सो गाइज़ ये थी मेरी सिंपल थाली जो मैंने रेडी करी थी एंड ये जो मैंने आप लोगों से शेयर करी सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरी सिंपली थाली आप लोगों को कैसी लगी एंड यहाँ पर साइबा अपना लंच कर रही है सो so, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें लव यू ऑल